रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको आज की न्यूज़ से अपडेट कर देता हूँ मैं। न्यूज़ क्या है यार, एक वीडियो है जी, एक दो दिन से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। आप भाइयों ने शायद अभी तक देख ली हो। वीडियो ये थी कि जिसमें आपने देखा होगा जी, एक बच्चे में उसमें कुछ कचरा वगैरह, यानी कि किसी शुगर वगैरह की, रूम वगैरह की सफाई वगैरह की, पत्ता वगैरह, ऐसी चीज़ें उसमें डालकर और उसको बाहर रखा गया। वो कपड़ा क्या था भाई? सऊदी अरबिया का परचम। अच्छा, सऊदी अरबिया का परचम, ये तो एक अलग से मामला हो गई। लेकिन इसके ऊपर जो कलमा लिखा हुआ है, हमें इसकी तो इज्जत करनी चाहिए ना। आपने वीडियो में देखा होगा वो कैसे बाहर पड़ा हुआ है, एक बंदे ने उसको खोला। यहाँ पर इस तरफ या इस तरफ मैं आपको वीडियो भी साथ में दिखा देता हूँ भाई, देख लें आप। ये बंदा उसको खोल रखा है, ठीक है। उसके बाद इसने उसको साफ़ वगैरह किया, उसमें जो कचरा वगैरह था वो निकाला, उसको अच्छे से झाड़ा, उसको साफ़ किया। उसके बाद ये इसको लपेटेगा भी। एक कलमा ऊपर लिखा हुआ है सऊदी अरबिया परचम के ऊपर, इसकी बेहुरमती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारा मुसलमानों का ये यकीदा है। ये कुछ बद्दू किस्म के, मैं इनको बोल सकता हूँ, इनको अभी गिरफ्तार कर दिया गया है। अभी मैं आपको, ये वीडियो ख़त्म होती है ना तो इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, इन बंदों की। ये चार बंदे थे जी, चारों ने कहीं से सफाई वगैरह की है, जाहिर सी बात है, बड़े वगैरह से या कहीं से, इनको कुछ और मिला नहीं। इन बंदों ने इसी में कचरा डाला है और इनको इतनी सेंस नहीं है, इतना इनको यार अकल नहीं है कि ये इसके ऊपर जो कलमा लिखा हुआ है इसी का हम थोड़ा, यानी कि थोड़ा क्या यार, इसकी भाई कलमा लिखा हुआ ऊपर आपको हया आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। इन बंदों ने उसमें कचरा वगैरह डाला, बाहर फेंक दिया। अभी ये चारों को, चार बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि ये बंगाली हैं जी, चारे बांग्लादेशी हैं, ये चारे पकड़े गए हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि बांग्लादेशी हर कोई गलत होता है, बांग्लादेशी भाई बहुत से अच्छे बंदे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंदों की वजह से फिर मुल्क तो बदनाम होते हैं। तो ये चार अफराद थे जी, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी सऊदी अरबिया परचम की बेहरमती के ऊपर, मुझे डेफिनेटली तो, यानी कि मुझे कन्फर्म फिगर तो पता नहीं है, लेकिन अब 1,00,000 रियाल से ज़ायद का फ़ाइन है और मेरे हिसाब से 2 साल+ में कैद है। लेकिन अगर इनको माफ़ी वगैरह दी जाए वो एक अलग से मामला है। फ़ाइन और जेल इनको अभी कन्फर्म है।